कृष्णा सखी चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी मैं गुजरात से लेके आई हूँ। गुजरात का एक पॉपुलर स्नैक है थेपला। तो आजकल लौकी का सीजन चल रहा है, लौकी के पराठे खाएं या थेपला खाएं, गुजराती में इनको थेपला कहते हैं और ये बहुत ही पतले बनाए जाते हैं। इसका बनाने का भी एक तरीका होता है। तो आइए मैं आज आपको गुजरात की रेसिपी बनाना सिखाती हूँ थेपला। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, थेपला बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। थेपला के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने एक बाउल में गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं वही आटा लिया है मैंने, और यहाँ पर मैंने 2 या 2.5 चम्मच बेसन लिया है। बेसन की जगह आप अगर चने का आटा है तो वो भी आप ले सकते हैं। 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक कट करके लिया है और 2 से 3 चम्मच मैंने ले लिया दही। दही इसमें जाता है। और फ्रेंड्स, एक छोटा टुकड़ा 100 ग्राम के करीब मैंने लौकी का ले लिया है। तो लौकी को पहले छील कर तैयार कर लेते हैं। लौकी का पहले हमें छिलका उतार लेना है। लौकी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसकी तासीर ठंडी होती है और गर्मियों में हम सब्जी के रूप में या पराठे के रूप में या थेपले के रूप में जब भी इस लौकी का यूज करते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और थेपलों को अगर हम नाश्ते में सुबह के टाइम में खाते हैं तो हमारा पूरे दिन पेट भरा भरा रहता है। बहुत ही हेल्दी और कम ऑयल में बनने वाला नाश्ता है। और इसकी खासियत यह है कि आप इसे सफर पर भी ले जा सकते हैं। 3-4 दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं और इनको अचार के साथ अक्सर लोग खाते हैं, अचार और दही से। फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपनी सारी लौकी ग्रेट करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये लौकी हमारी ग्रेट होकर तैयार हो गई है। और अब डालते हैं, हम अपनी लेते हैं परात और इसमें डालते हैं गेहूं का आटा और ये जो हमने बेसन लिया था बेसन ऐड कर लेते हैं, हरी मिर्च ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिए मैंने कुछ मसाले। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच नमक लिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। ये मैंने 1/2 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च ली है। 1/4 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर। 1/4 चम्मच लिया है मैंने जीरा। 1/2 चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर। ये लिए मैंने काश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए। और मैंने लिए थोड़ी सी हींग। तो सारे मसालों को इसमें ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने दही लिया था, दही को ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, जिससे कि हमारे थेपले सॉफ्ट बने। तेल ऐड कर लिया हमने और लौकी को थोड़ा सा निचोड़ कर डालेंगे, क्योंकि अगर हमारे आटे में पानी ज्यादा हो गया तो फिर हमें आटा और बढ़ाना पड़ेगा। अगर जरूरत होगी तो हम लौकी के पानी का यूज बाद में कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसमें लौकी डाल ली है और इसको पहले आटे को मलकर तैयार कर लेते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तभी हम पानी का यूज करेंगे इसमें। इसका हमें थोड़ा सा टाइट आटा लगाकर तैयार करना है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगाएंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा कि जब उसमें नमक डाला है ना, नमक और लौकी अपना पानी छोड़ेगी तो फिर थेपलों को हमें हैंडल करना, बेलना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह से फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इसको मलकर, सॉफ्ट आटा मलकर तैयार करना है। फ्रेंड्स, ये बची हुई लौकी और जो पानी हमारा है ये भी हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। सारी लौकी हमने ऐड कर ली है। एक मीडियम सॉफ्ट आटा मलकर हमें तैयार करना है पानी के। फ्रेंड्स, इस आटे को देना है रेस्ट कम से कम 10 से 15 मिनट का। इस पर लगा देते हैं थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि इस पर पपड़ी ना पड़े। बस थोड़ा सा ही लगाना है इसे चिकना करने के लिए। फ्रेंड्स, अब इसको ढककर 15 मिनट के लिए कम से कम रेस्ट देते हैं। उसके बाद फिर हमने थेपले बनाने हो चुके हैं। आटा हमारा रेस्ट कर चुका है और अब इसमें से लोइयां निकाल लेते हैं छोटी छोटी। थोड़ा सा सूखा आटा इस पर लगा लेंगे, क्योंकि आटा इसका लौकी डालकर थोड़ा पतला हो जाता है और इससे हमारी लोइयां आराम से निकल आएंगी। इस तरह से इसे रोल कर देते हैं आटे में। और फ्रेंड्स, जिस भी साइज के आप थेपले बनाना चाहते हैं उस साइज के आप इसमें लोई बनाकर तैयार कर लें। इस साइज की मैं लोई बना रही हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने लोई थोड़ा सा परोसन लगाकर इसे तैयार कर लिए हैं। इसको बेलना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ले लिया है हमने सूखा आटा। सूखे आटे में कोट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका आटा थोड़ा लौकी का पतला हो जाता है। और अब इसको बेलना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसको हमें पतला बेलना होता है, लौकी के थेपले पतले पतले बनते हैं। अगर आटे को आपने रेस्ट नहीं दिया है तो इसे बेलने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि इसका ग्लूटेन डेवलप नहीं होता है तो ये आपका बेलकर पतला तैयार नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पतला बिल्कुल बेलकर तैयार कर लिया है।
अब इसको एक प्लेट पर रख लेंगे और फ्रेंड्स इसी तरह से हम अपने सारे पहले बेल बेल के तैयार कर लेंगे और फिर साथ एक साथ सेकेंगे। हमने जो इस पे देवला बेल कर रखा है इस पर थोड़ा सा मैंने सूखा आटा डस्ट कर दिया है जिससे कि जो हम बेल के जो रखे हैं वो एक दूसरे पे चिपके नहीं। इसी तरह से फ्रेंड्स हम अपने सारे थेपले बनाकर तैयार कर लेते हैं और फिर इनको एक साथ सेकेंगे। फ्रेंड्स ये सभी थेपले हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब फ्रेंड्स इसको हमें हाई फ्लेम पर ही सेकना होता है, एक तरफ से चित्ती पड़ जाएगी तो हम इसे पलट देंगे। अगर आप धीमी आंच पे सेकेंगे तो फिर ये खाकरा जैसे हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे और वो उसमें सॉफ्टनेस नहीं रहेगी। हल्की सी चित्ती पड़ने पर इसे हमें पलट देना है। फ्रेंड्स एक तरफ से पच गया है, इसको पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी थोड़ा सा पचने देते हैं, उसके बाद फिर इसमें ऑयल लगा कर सेकेंगे। एक तरफ ये पच चुका है, अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा ऑयल इसको और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं और फ्रेंड्स अलटते पलटते हुए इसे हमें सेक लेना है। मैंने अपने चैनल पर भिंडी का पराठा डाल रखा है, प्याज का पराठा डाल रखा है, प्याज और बेसन का, तो वो भी आप मैं लिंक दे दूंगी तो वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। ये हमारा एक थेपला सिककर तैयार हो चुका है और इसी तरह से हम अपने सारे थेपले बनाकर तैयार। फ्रेंड्स थेपले हमारे सभी सिक चुके हैं, इनको सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हमारे थेपले बनकर तैयार हुए हैं। इनको ज्यादा करारा नहीं सेका जाता है, इनको हाई फ्लेम पर सेका जाता है और आप इसे 2 से 3 दिन तक रखकर खा सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से हम रोल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहा, कितना सॉफ्ट है, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है और थोड़ा सा मोमन डाला है। इसी तरह से हम अपने सारे थेपले सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए ये हमारे लौकी के थेपले बिल्कुल तैयार हैं और आप बहुत ही कम सामान से इसे तैयार कर सकते हैं और इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन अचार और दही के साथ है और आप इसे चाय के साथ ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये लौकी की हेल्दी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।